दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे वीडियोस देखे हैं और हमारी जानकारी को, जो हमने ITP या ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी दी है जो असाध्य है, लाइलाज है, उनको दूसरे लोगों तक पहुंचाया। हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे पास अभी ITP को लेकर बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि क्या ITP में हम कुछ खान पीन में ऐसे बदलाव कर सकते हैं जिससे ITP की बीमारी को कंट्रोल किया जा सके या इस बीमारी से हमेशा के लिए ठीक होया जा सके। ऐसे बहुत से लोग कुछ वीडियोज भी सर्च करते हैं, कुछ ट्रेनिंग वीडियोज भी ऐसे हैं जिनमें ये कहा जाता है कि ITP को नेचुरली या डाइट इम्प्रूव करके 100% ठीक किया जा सकता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ITP, जिसको इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्रोप्यूरा कहते हैं, इसका खास करके डाइट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको आप छोड़ दें, या ऐसी कोई भी फल फूल या कोई सब्जियां ऐसी नहीं है कि जिनको आप अपने खाने में ऐड कर दें या आप उपवास करने लगें और आप इस बीमारी से हमेशा के लिए ठीक हो जाए। ITP मतलब इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ये एक ऐसी बीमारी है जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम में गड़बड़ी होने के कारण पैदा होती है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि इम्यूनिटी क्या होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यह शरीर की एक रक्षा प्रणाली है। यदि आपके शरीर पर कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमला करते हैं तो आपके शरीर की जो सेल्स हैं, जो इम्यूनिटी वाली सेल्स हैं, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। पर कुछ मिस्टेक के कारण जब आपकी इम्यूनिटी यह पहचानने में कंफ्यूज होने लगती है कि जो प्लेटलेट्स हैं वो हमारे शरीर से हैं या नहीं, उसको लगता है कोई फॉरेन बॉडी या कोई बैक्टीरिया वायरस है और उसको भी वह डिस्ट्रॉय करने लगती है, इस स्थिति में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की बीमारी पैदा होती है। तो मेरा कहना है कि यह एक ऐसी बीमारी है जो अनुवांशिक हो सकती है। कुछ अनुवांशिक ऐसे कारण हो सकते हैं जो आपके DNA या दूसरे कारणों के अनुसार ये आपके शरीर में होती है, तो इसका डाइट से डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है। लोग पूछते हैं कि सर, पपीता खाने से या पपीते की पत्तियां खाने से भी प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं, तो वो कुछ ऐसी कंडीशन है। यदि आपको डेंगू हुआ है उसके कारण आपको प्लेटलेट्स कम हो गई है, या कुछ लीवर की बीमारी है उसके कारण आपको कुछ तकलीफ आ रही है, तो उसमें कुछ ऐसी स्टडीज हैं कि आपको पपीते की पत्तियां आपको प्लेटलेट को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती है। लेकिन ITP में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पपीते की पत्तियां पियेंगे और आपके प्लेटलेट हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। तो आप ये जानकारी उन सभी लोगों को दीजिए, कोई गलतफहमी है कि सिर्फ डाइटरी चेंज करके, आपके खान पीन में बदलाव करके या जीवन शैली में परिवर्तन करके, एक्सरसाइज करके भी आप ITP को ठीक कर सकते हैं, ये धारणा पूरी तरह से गलत है। हाँ, यदि आपको कुछ ऐसे लक्षण हैं जैसे आपको कमजोरी है, तो आपको ऐसे फ्रूट्स, ऐसे सब्जियों का उपयोग करना है जिसके आपके शरीर में बराबर एनर्जी बनी रहे, या फिर आपको सांस लेने तकलीफ है तो आपको ऐसी चीजों को छोड़ना है, ऐसी चीजों को परहेज करना है जैसे खटाई हो गई, नींबू हो गए, अचार हो गए, जिससे आपको बार बार बीमार होना पड़े, बार बार आपको खांसी या सर्दी जैसी बीमारी हो, तो इन चीजों को अवॉइड करना जरूरी है। हाँ, एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके परहेज के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कच्चा प्याज हो गया, लहसुन हो गया, या स्ट्रॉन्ग स्मेल वाली कोई ऐसी चीज हो गई जो होम्योपैथिक दवाइयों के असर को कम कर सकती है, इन दवाइयों का आपको परहेज करना जरूरी हो। जो जानकारी मैंने आज आपको दी है, इस जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, उनके पास पहुंचाइए, उनकी जो धारणाएं हैं, जो उनके मन में गलतफहमियां हैं, वो दूर हो जाए। आप हमें लाइक कीजिए, कोई जानकारी चाहते हैं हमें कमेंट करके हमसे पूछिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।